जीतने से अहंकार आता है तो हारने से अकल ठिकाने लगती है। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जब जीत चुकी थी, राहुल गांधी को हराकर पार्लियामेंट में जा चुकी थी, तो उनका अहंकार सबको दिखाई देता था। आप सब लोग भली भांति वाकिफ हैं और उनका ऑब्सेशन राहुल गांधी से भी दिखाई देता था। लेकिन अब स्मृति ईरानी एक वक्तव्य में क्या बोलती हुई नजर आती हैं, जरा सुनिए राहुल गांधी के बारे में। बिल्कुल दिल से जिस तरह से उनकी आवाज़ निकली हो कि आप राहुल गांधी के बारे में कुछ भी आप बोलते रहे, लेकिन पॉलिटिकली वो बहुत बदले हैं। उनकी पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है जो ऑब्वियसली लोगों से, युवाओं से कनेक्ट कर रहा है। गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। पॉलिटिक्स में चेंज आया है। ही थिंक्स ही हैज टेस्टेड सक्सेस। तो इफ यू नोटिस कहाँ जाके कास्ट का जब वो बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा उनके इतने साल की राजनीति में पहली बार उस एज एन इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं, टी शर्ट पहनते हैं पार्लियामेंट में, तो वो जानते हैं कि उस वाइट टी शर्ट का एक युवा पीढ़ी में वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम जो है वो आपको कदम अच्छा लगे बुरा लगे, वो कदम आपको बचकाना लगे, लेकिन वो अलग पॉलिटिक्स सबका। स्मृति ईरानी अपने लोगों को बेसिकली मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि आप लोग कितना भी किसी चीज़ का मजाक बना लीजिए, आप लोग उनके कपड़ों का मजाक बनाइए कि जी देखिए टी शर्ट पहन के पार्लियामेंट में आते हैं, पर कुछ तो वो सही कर रहे हैं जो कि लोगों से क्लिक कर रहा है। ये बात स्मृति ईरानी अगर कह रही हैं तो आप इस बात से इतना अंदाज़ा लगा लीजिए, देखिए इसी तरह से राजनीति को समझा जाता है और क्या पार्टियों के अंदर चल रहा है जो आपके सामने कभी इस तरह से नहीं आएगा। लेकिन यू कैन एक्चुअली ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट अगर स्मृति ईरानी ये बात कह रही हैं तो पार्टी में इस बात को लेकर बड़े से बड़े लेवल पर, बड़े से बड़े नेताओं में इस बात को लेकर चिंतन हो रहा है कि राहुल गांधी किस तरह से उभरते जा रहे हैं। ये सिर्फ आपके सामने सर्वे के ही आंकड़े नहीं है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जी राहुल गांधी काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहे हैं, मोदी नहीं तो कौन का जवाब राहुल गांधी के चेहरे के रूप में जनता के बीच में नजर आने लगा है। लेकिन वहीं राहुल गांधी जो चीज कर रहे हैं, जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, फिर भले ही वो पार्लियामेंट के अंदर हो पार्लियामेंट के बाहर हो, वो पार्लियामेंट के अंदर भी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं, वो एक एक करके फिर चाहे वो ह्यूमर में हो, ह्यूमरस हो, जो कि लोग उसको शेयर करते कि देखिए कितना बढ़िया इन्होंने जवाब दिया, या फिर वो सीरियस लेवल पर बात कर रहे हो, हर चीज़ उनकी वायरल हो रही है, लोग उसको शेयर कर रहे हैं और उसके ऊपर रिएक्ट सरकार को करना पड़ रहा है। मतलब बेसिकली राहुल गांधी अपने हिसाब से सरकार को चला रहे हैं, भले ही सरकार में इस वक्त नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं 240 सीटों के साथ, लेकिन वहीं राहुल गांधी विपक्ष के नेता होते हुए सरकार को कठपुतली बनाए हुए हैं। आपको पता ही है 2 महीने के अंदर 5 बार यूटर्न नरेंद्र मोदी की सरकार से करा दिया। ये सुना था आपने कभी यूटर्न नरेंद्र मोदी करेंगे? पिछले 10 साल में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई और किसी भी कानून को वापस लेने के लिए, किसी फैसले को वापस लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। हमारे देश के किसानों से जाकर पूछिए, 1 साल उनको लग गया वो कृषि जो काले कानून जिसको वो कहा करते थे उसको वापस करवाने में, उसमें भी कभी अहंकार खत्म नहीं हुआ था। लेकिन स्मृति ईरानी ने ये जो बात कही, जो एक समय था जब पार्लियामेंट में इस तरह से माफ़ी मांगो सोनिया गांधी करके चिल्लाती थी, जो अपने हर सेंटेंस में तीसरा शब्द राहुल गांधी का नाम लिया करती थी, जिनका ऑब्सेशन खत्म नहीं होता था, जो यहाँ तक कहने पे आ गई थी कि पार्लियामेंट में इन्होंने मुझे फ्लाइंग किस दिया, ये मेरी तरफ देख के फ्लाइंग किस दे रहे थे, जबकि कंप्लीटली प्रूव हो चुका था कि वो किस एंगल पर बैठी थी, कहाँ बैठी थी, कोई मतलब ही नहीं है। बट हर चीज़ में वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो किसी ANI के किसी रिपोर्टर के सामने बैठ के कोई बात कहें, हो ही नहीं सकता कि राहुल गांधी के बगैर उनकी कोई भी बात कंप्लीट हो जाती। शुरुआत में फिर भी समझ में आता था कि चलो ठीक है, उनसे जीत कर आई हैं तो समझ में आता है कि वो बैठा हुआ, लेकिन उसके बाद जस्ट आगे बढ़ो यार, मंत्री बन गई आप और कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर ये रही हैं, सब लोग जानते रहे हैं। लेकिन स्मृति ईरानी ने ऐसा क्या गलत किया जो 5 साल के बाद फिर वो वापस नहीं आ पाई? वो किशोरीलाल शर्मा से हार गए। आई एम श्योर ये जो हार है ये उनको इंट्रोस्पेक्ट अप करवा रहा है, जो कि करवाना भी चाहिए, कोई भी जब शख्स हारता है, क्योंकि जब भी वो हारी हैं उसके बाद ही वो स्ट्रॉन्गर बनकर आई थी। आपको याद होगा उसके बाद ही एक समय ऐसा आया जब उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया, उससे पहले वो हार चुकी थी। लेकिन
लेकिन जीतने के बाद स्मृति ईरानी में उसी तरह का अहंकार आया जिस तरह का अहंकार हम पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी के अंदर देख रहे थे उस बहुमत का। लेकिन आज जब बहुमत से कम हो गया है तो देखिए यूटर्न वाली सरकार बनती जा रही है नरेंद्र मोदी। मुझे नहीं पता उनका हार्ड कोर वोटर जो है जो उसी तरह का अग्रेशन पसंद करता था वो आखिर कितना पसंद कर रहा होगा ये वाले रूप के नरेंद्र मोदी को। लेकिन ये भी जायज़ है, ये भी बात सही है कि पूरे देश में ज़्यादातर लोग जो है वो इसी तरह कि सरकार चाहते थे इसीलिए उस तरह का रिजल्ट आया है और वो अब अल्टरनेटिव देखने आ गए हैं। आप जो स्मृति ईरानी की पूरी बात सुने तो आपको ये दिखाई देता है कि शायद इस तरह के शब्द वो एकदम 4 जून के अगले दिन आप उनसे पूछते तो नहीं बता पाती। उस समय आपको हार का एक निराशा होती है, मायूसी होती है, आप बहुत सारे शब्दों में नहीं बोलना चाहते, लेकिन फिर समय के साथ आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उस पूरे दौरान ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी ने बैठकर ही राहुल गांधी को और ऑब्जर्व किया है, चुपचाप ही सही, सबके सामने ना उतने शब्द बोलते हुए, क्योंकि अब उनके पास उतने लोग जा भी नहीं रहे थे उतने सारे सवाल पूछने के लिए, क्योंकि अब तो वो पार्लियामेंटेरियन भी नहीं रहे। और वो उन्होंने बैठकर राहुल गांधी की स्पीचेस, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राजनीति कैसे कर रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, क्या बातें सुन रहे हैं, किस तरह की सलाहों को वो मान रहे हैं, वो जब जनता के बीच जा रहे हैं, फिर चाहे वो वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब के लिए, वो जिस तरह का इंटरेक्शन कर रहे हैं वो उनको मदद कर रहा है। और ये पूरा का पूरा उनको ऑब्जर्व करने के बाद इसे आप स्मृति ईरानी का विश्लेषण कह सकते हैं कि आफ्टर ऑल दीज मंथ्स एंड एनालाइजिंग राहुल गांधीज बॉडी लैंग्वेज, हिज वर्ड्स, हिज कॉन्फिडेंस, हिज पॉलिटिक्स, स्मृति ईरानी इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि राहुल गांधी को अब आप नकार नहीं सकते। जैसे कहते हैं ना, यू मे हेट हिम, यू मे लव हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। उस कैटेगरी में अब राहुल गांधी आ चुके हैं, जिस कैटेगरी में एक बार नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता था दैट यू मे लव हिम और यू मे हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम। अब इसमें जब स्मृति ईरानी जैसी शख्स इतनी बड़ी बात कहती हैं तो उसको और भी ज़्यादा गंभीरता से आपको लेने की ज़रूरत है। और वहीं पर ये एक मैसेज, ये एक सीख कांग्रेस के लिए भी होनी चाहिए कि जितना आपने जब दूसरे को हराया है उसके अंदर देखिए ना फाइनली ह्यूमिलिटी आ रही है, उनके अंदर आपको दिखाई दे रहा है जो अहंकार दिखाई देता था पहले, आज हार ने शायद थोड़ा सा ये इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए उनको मजबूर कर दिया। वही गलती आपको नहीं करनी है। आप अगर जीत रहे हैं और आप अगर बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, उस एरोगेंस को याद रखिएगा जो स्मृति ईरानी रखती थी, या उस एरोगेंस को याद रखिएगा जो 10 साल तक नरेंद्र मोदी ने सत्ता में काबिज रहते हुए दिखाए हैं। क्योंकि कभी भी एक जैसा समय किसी का भी नहीं होता है, इतना आप समझ लीजिए। कोई अपने आप को कितना नॉन बायोलॉजिकल बोले या अपने आप को ईश्वर का अवतार समझ ले या खुद ही ईश्वर समझ ले, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। बदलाव जो है वही सबसे स्थिर चीज़ है। तो बदलाव तो होकर रहते हैं, लोगों की सोच में बदलाव होते हैं। आप अपने आप को ही कंपेयर करके देखिए, 10 साल पहले आपकी सोच क्या थी, 10 साल पहले तक आप क्या समझते थे, आप कितना चीज़ों को जानते थे, आज आप क्या हैं। और ये मान के चलिए 10 साल बाद आप वो नहीं होंगे जो आप आज हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में बदल चुके होंगे। और यही बदलाव है जिसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना होता है हर उस शख्स को जिसे शायद आज आप पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आगे वो इस उम्मीद में बैठा होता है कि ज़रूर वो दिन आएगा जब आप उसके ऊपर भी विश्वास करेंगे। राहुल गांधी ने वही निरंतर प्रयास किया है। युवराज, पप्पू और न जाने क्या क्या उनको बोला गया, इतनी सारी करोड़ों की पैसे इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर पूरी मशीनरी लगा दी गई उनकी छवि बर्बाद करने के लिए, लेकिन उसमें से उन्होंने अपनी मेहनत से उभर कर दिखाया है, लोगों से मिले, जनसंपर्क बढ़ाया और उसके बाद हिंदुस्तान को और बेहतर तरीके से समझा। और आज के हिंदुस्तान को लगता है वो जितना यात्रा कर चुके और लोगों से मिल चुके हैं शायद देश के प्रधानमंत्री से बेहतर वो समझ रहे होंगे, क्योंकि जितना आप लोगों से मिलेंगे, जानेंगे, सड़कों पे जाएंगे, बातचीत करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, उतना ही आप बेहतर पहचान पाएंगे अपने ही देश और अपने ही देश के लोगों को। आखिर हमारा देश हमारे देश के नागरिकों से ही तो बनता है। उन्हें नकार कर, उन्हें इग्नोर करके आप किसी तरह की राजनीति नहीं कर सकते। और ये एक बात जो स्मृति ईरानी कह रही है कि कुछ तो वो सही कर रहे हैं, यही एक चीज़ वो सही कर रहे हैं। स्मृति जी, ये बात आप भी जानती हैं, आई एम श्योर आप खुलकर बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकती हैं, जितना आपने बोला वो भी दिखाता है कि आप इंट्रोस्पेक्ट कर रही हैं और शायद पार्टी भी कर रही है, इसीलिए वहाँ से ये थॉट आ रहा है। लेकिन आप वो क्या सही कर रहे हैं, इसीलिए ये बताने के लिए हम लगातार जब वीडियोस बना रहे हैं, आप हमारे वीडियोस को नकार दीजिए, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसी पर हम बना रहे हैं।
वही हम आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी की पावर कैसे बढ़ रही है, राहुल गांधी को लोग कितना सीरियसली लेना शुरू हो चुके हैं, और राहुल गांधी वो क्या चीज़ सही कर रहे हैं, उनको क्यों फ़र्क नहीं पड़ता कि वो टी शर्ट पहन के पार्लियामेंट में जा रहे हैं, क्योंकि वो एक एक्ट पुटअप नहीं करना चाह रहे हैं। आप समझ नहीं रहे इस बात को, और शायद समझ चुके और आप बोल नहीं रहे हैं। 10 बार दिन में कपड़े बदलना, आपने इस चीज़ को ट्रेंड को स्टार्ट किया, वो एक ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखूंगा, एंड दैट इज़ वॉट इज़ क्लिकिंग विद पीपल। वो जैसे लोगों के साथ मिलते हैं, जिस तरह से मिल रहे हैं, वो उसी शक्ल और उसी बॉडी लैंग्वेज और उन्हीं कपड़ों में वो पार्लियामेंट में भी जा रहे हैं। सो देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हिम, द वे ही इज़ मीटिंग पीपल एंड द वे ही इज़ गोइंग एंड रिप्रेजेंटिंग देम इन द पार्लियामेंट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज़ वॉट ही इज़ डूइंग। तो उनकी टी शर्ट का, उनके कपड़ों का ये सब मजाक बनाकर अपना टाइम वेस्ट करना आप लोग बंद कीजिए। हम चाहते हैं लोकतंत्र में हमेशा बेहतर और मजबूत विपक्ष हो, जो भी सत्ता में आता है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि उसके सामने जो खड़ा हुआ विपक्ष है वो हमेशा मजबूत होना चाहिए। तो अगर कल को आप विपक्ष में भी आएंगे, हम चाहेंगे कि आप हमेशा मजबूत रहें। इसी तरह से हमारे देश का लोकतंत्र चलता रहेगा, और इसी बात को बस समझिए। किसी को भी अपनी ट्रोल आर्मी फेंक कर, उसके ऊपर 10 तरह की गालियां दिलवाकर, कैरेक्टर असैसिनेशन करके आप लोगों की तरक्की नहीं होगी और राजनीति नहीं कर पाएंगे आप। वो थोड़े समय के लिए होता है, सब जान चुके हैं कि आईटी सेल कैसे चलता है, कितने पैसे मिलते हैं, कौन क्या लिख रहा है। नाउ एवरीवन नोज दैट। सो जस्ट डू समथिंग न्यू एंड डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव, शायद उससे बात बने। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, इस सेंटेंस की जो पॉजिटिविटी है वो शायद लोगों तक पहुंच रही है, और आपकी नेगेटिव राजनीति का एक जो स्पैन था वो खत्म होता जा रहा है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू सेव योर सेल्फ, स्टार्ट टेकिंग एवरी थिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री एंड स्पेशली वॉट द ऑपोजिशन इज डूइंग सीरियसली। सत्यमेव जयते।